स्टूडेंट्स, आज अपन इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रेजेंटिव इनकम और उस पर टैक्स कैसे प्रावधान है आज देखेंगे कि आयकर विभाग द्वारा यह जानकारी में आया कि भाई जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी आय का निर्धारण करना मुश्किल होता है उनके लिए धारा 44AD से लेके 44AE में ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि जिसमें परिकल्पित आय और उसके आधार पर कर निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे कौन सी प्रावधान है देखेंगे अपन धारा 44AD में और 44AE में। तो सबसे पहले 44AD देखें कि जो छोटे व्यवसाय की परिकल्पित आय जो करदाता गत वर्ष में व्यापार से कुल प्राप्ति या उसकी सकल बिक्री 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, ऐसे फुटकर व्यापारियों के लिए ये परिकल्पित आय की धारा लागू होगी और इस धारा के लागू होने से उनको जो आय है उस पर एक निर्धारित दर से कर की गणना की जाएगी। वो आगे चल के अपन देखते हैं, लेकिन इस छोटे व्यवसाय से क्या मीनिंग है। यह प्रावधान केवल धारा 44AD में वर्णित पेशाकार और धारा 44AE में वर्णित ट्रकों के परिसंचालन व्यय को छोड़कर अन्य सभी व्यवसायों पर लागू होगी। तो जो धारा 44AD है उसमें प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जिन पर ये धारा लागू नहीं होगी, और जो ट्रकों का संचालन करते हैं उसके लिए धारा 44AE बना रखी है उस पर ये लागू नहीं होगी। तो ये जो पेशागर व्यक्ति हैं धारा 44AE में वर्णित हैं जिसमें वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राविधिकी सलाहकार, भीतरी साज सज्जा करना, अन्य घोषित पेशा जैसे अधिकृत प्रतिनिधि, सिनेमा कलाकार, कंपनी सचिव एवं सूचना तकनीक के पेशाकारों को शामिल किया जाता है। ऐसे व्यवसाय जिसमें आय कमीशन और दलाली से हो वो भी इस धारा में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आय जो एजेंसी का कार्य से हो वो भी आते हैं, और ट्रक संचालन वालों के लिए धारा 44AE में आते हैं। अब धारा 44AD में परिकृत आय की गणना जब करते हैं तो छोटे व्यवसाय करने वाले करदाताओं के लिए जिनकी गत वर्ष की कुल सकल बिक्री 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, कुल परिकल्पित आय गत वर्ष की सकल बिक्री के 8% मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस उनके लिए 8% मानी जाएगी जितनी उनकी ग्रॉस सेल होगी। लेकिन अगर रेखांकित चेक या डिजिटल पेमेंट द्वारा भुगतान किया गया है तो 8% की जगह 6% की दर से परिकल्पित आय की गणना की जा सकती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना है कि अगर वो साझेदारी फर्म है तो उस पर ब्याज और पारिश्रमिक की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी 8% से कैलकुलेट करेंगे वही परिकल्पित आय, उसमें से कोई छूट नहीं मिलेगी। एडवांस टैक्स जमा कराना होगा जो कि नियमानुसार 15 मार्च को अग्रिम जब करना होगा, 31 मार्च तक जमा करा देने पर यह माना जाएगा कि अग्रिम कर निर्धारित समय पर चुका दिया गया है। यदि परिकल्पित आय से कम लाभ हो, यदि वास्तविक लाभ परिकल्पित लाभ से कम हो तो करदाता कम लाभ दिखा सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में व्यवसायी को अपने लेके रखना होगा और उन खातों का अंकेक्षण भी करवाना होगा चाहे सकल प्राप्तियां कितनी भी कम हो, बशर्ते उनकी आय न्यूनतम कर मुक्त सीमा से अधिक हो। जो 5 वर्षों तक परिकल्पित आय का लाभ नहीं मिलेगा, यदि करदाता लगातार 5 वर्षों तक परिकल्पित आय नहीं दिखाता है अर्थात 5 वर्षों में से किसी भी वर्ष में वह अपनी कर योग्य परिकल्पित आय से कम प्रकट करता है तो करदाता ऐसे कर निर्धारण वर्ष से अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक इस धारा में परिकल्पित आय का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लें कि अगर मान लीजिए पहली बार कर निर्धारण 2021 में हो रहा है, 1 करोड़ की मान लो टर्नओवर है तो 8 लाख रुपए जो है आय प्रकट करेगा,
कर निर्धारण वर्ष 21-22-23 में इसी प्रकार से 8% परिकल्पित आय प्रकट करता है, परंतु 23-24 में अपने 1 करोड़ के आवर्त पर केवल 4 लाख रुपए की आय सामान्य कर निर्धारण के अनुसार प्रकट करता है, तो फिर ऐसे में वह अगले 5 कर निर्धारण वर्षों तक यानी 24-25 से लेकर 28-29 तक परिकल्पित आय का विकल्प नहीं चुन सकेगा, क्योंकि उसने अपनी आय परिकल्पित आय के अनुसार लगातार 5 वर्षों तक प्रस्तुत नहीं की। ऐसी स्थिति में उसको खाते रखने होंगे और उनका अक्षेपण करवाना पड़ेगा। अब धारा 44 ADA जिसमें पेशागत सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं की परिकल्पित आय छोटे स्तर पर पेशागत सेवाएं प्रदान करने वाले करदाताओं को राहत प्रदान करने के दृष्टिकोण से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी पेशागत सेवा प्रदान करने वाले करदाता की गत वर्ष में कुल सकल प्राप्तियां 50 लाख रुपए तक है तो उसकी परिकल्पित आय कुल सकल प्राप्तियों के 50% के बराबर मानी जाएगी और बाकी नियम जो ऊपर अपन ने देखे वही लागू होंगे। अब धारा देखिए 44A, ये किन पर लागू होती है? इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑफ लीजिंग ऑफ ट्रक्स, जो ट्रक्स किराए पे चलाते हैं, यदि करदाता ट्रकों को किराए पर चलाता है तो उसकी आय की गणना करने के लिए संबंध में प्रति ट्रक प्रति माह एक परिकल्पित आय मानी जाती है। तो इस धारा की शर्तें क्या है? ट्रकों की अधिकतम संख्या संबंधी शर्त है। यह योजना उन करदाताओं पर लागू होती है जो माल ढोने वाले 10 ट्रकों से अधिक का स्वामी नहीं हो। यदि करदाता ने ट्रक किराया क्रय पद्धति के अनुसार या किस्तों पर लिया है तो 10 ट्रकों की गणना में ऐसे ट्रकों को भी शामिल करेंगे। परिकल्पित आय कैसे होगी? अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो परिकल्पित आय की गणना कैसे करेंगे? परिकल्पित आय की गणना करने के उद्देश्य से ऐसे करदाता की आय प्रत्येक भारी माल वाहन अर्थात जिस वाहन के खाली रहने पर वजन 12 टन से अधिक हो के लिए 1,000 रुपये प्रति टन माह या उसके भाग के लिए मानी जाएगी। भारित माल वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन अर्थात हल्के वाहन के लिए मानी गई आय 7,500 रुपये प्रति ट्रक प्रति माह या उसके भाग के लिए मानी जाएगी। यदि कोई ट्रक किसी महीने के दौरान प्राप्त किया गया हो और बेच दिया जाए तो चाहे ट्रक का स्वामित्व कुछ ही दिन रहा हो उसे पूरा माह मानेंगे। भारी वाहन माल से ऐसे वाहन से क्या मतलब है? जिनका वजन खाली रहने पर वजन 12 टन से ज़्यादा हो वो हैवी गुड्स व्हीकल माने जाएंगे। यदि करदाता द्वारा वास्तव में अर्जित की जाने वाली आय उपरोक्त दरों से गणना की गई राशि से कम हो तो वास्तविक अर्जित आय को आय माना जा सकता है, परंतु उस समय में उस दशा में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होगा। तो ये प्रावधान अपन ने देखे परिकल्पित आय धारा 44AD और 44AE के अनुसार प्रावधान इनकम टैक्स में दिए गए हैं।